कांवड़ मेला 2022 में आने वाले सभी शिव भक्तों का उत्तराखंड पुलिस दिल से स्वागत करती है और हम आपको बताएं, हम आपकी यात्रा को अति सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने इसके लिए पूरी तैयारियां की हैं। मैं सभी शिव भक्तों से कहना चाहता हूं कि इस वर्ष का कांवड़ मेला जो कल से शुरू हो रहा है और आगे 13 दिन तक चलेगा, इसकी उत्तराखंड पुलिस ने पूरी तैयारी की है। ये आपकी एक तीर्थ यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, तो मैं आप सबसे भी साथ ही साथ ही अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अपनी तीर्थ यात्रा की गरिमा को बनाए रखें। आप लोग सब गंगा जल भर के लेके जाते हैं, गंगा जी की पवित्रता और उसकी गरिमा को बनाए रखें और अपनी पूरी यात्रा को शालीनता से करें। ऐसा कोई काम न करें जिससे कि आपके आचरण पे कोई उंगली उठा सके, आप अपना अच्छा नाम लेकर के जाएं, और ऐसा भी कोई काम न करें जिससे दूसरों को असुविधा हो, क्योंकि पूर्व में कांवड़ मेलों के दौरान इस तरह की घटनाएँ होती रही हैं। आप एक मोटी बात समझेंगे कि एक हरिद्वार एक लिमिटेड क्षेत्र है और उसमें अगर लाखों लाख कांवड़ आते हैं, करोड़ों से भी आगे हो जाता है, अगर इतने सारे लोग एक साथ मान लिया म्यूजिक बजाएंगे या डीजे बजाएंगे तो बाकी सब लोगों को तो कुछ भी काम करना संभव नहीं रहेगा, उनके लिए सोना भी दुबर हो जाता है। इसीलिए मेरी अपील है कि हरिद्वार क्षेत्र में विशेषकर जो है दूसरों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अपने जो है इन चीज़ों को बंद रखें जिससे कि दूसरे लोगों की को कोई असुविधा ना हो। इस वर्ष हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की है। पोर्टल का नाम है policecitizenportal.uk.gov.in/कांवड़। इस लिंक पे आप जाएंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, हिंदी में भी सुविधा उपलब्ध है। इस रजिस्ट्रेशन का आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग पिछले मेलों से हमने देखा है कि बहुत सौ के साथ ही बिछड़ जाते हैं, बहुत सौ के साथ कोई घटना हो जाती है, तो ऐसे में इसमें जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो हमें आपकी गाड़ी को ढूंढना, आपके घर वालों को ढूंढना बहुत आसान रहेगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए किया है हमने, तो हमारी अपील है कि कृपया करके इस पर रजिस्टर ज़रूर करें। एक चीज़ और मैं बाकी सबसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे कांवड़ यात्रा के बारे में डेली अपडेट डालते रहेंगे और जो ट्रैफिक रूट्स हैं उनके बारे में भी अपडेट डालते रहेंगे, तो आप लोग कृपया उन सबको देख लें। एक मोटा मोटी बात मैं बता दूँ, जो लोगों को इस दौरान हरिद्वार और ऋषिकेश नहीं जाना है और जिन्हें देहरादून, मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ या पौड़ी, टिहरी आदि जाना है, तो वो सब कृपया करके इस दौरान रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश ये हाईवे को यूज ना करें। वो इसके दोनों तरफ से जाएं, लेफ्ट और राइट। राइट को जाएंगे तो रास्ता मेरठ से बिजनौर, बिजनौर से नजीबाबाद, कोटद्वार होते हुए ऊपर को ले जाएगा हिल्स में, और अगर बाएँ जाएंगे तो आप मुजफ्फरनगर, देवबंद, छुटमलपुर और वहाँ से या तो विकास नगर होते हुए या देहरादून होते हुए मसूरी के रूट से या विकास नगर के चक्राता के रूट से आप जो है गंगोत्री, जमुनोत्री साइड में चले जाएंगे। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि जैसा मैंने कहा कि इस दौरान ये 60 किलोमीटर का जो पैच है रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश, इस पे जिन लोगों को मेले में नहीं आना है वो लोग इस रूट को अवॉइड करें।